ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में बताए गए ब्रांड से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सब प्रोडक्ट फीचर्स, एक्सपीरियंस और यूजर फीडबैक से बताने वाला हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स इन इंडिया 2021। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 इलेक्ट्रिक केटल्स बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों वो 5वां इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक केटल वो होने वाली है, पर लेकिन दोस्तों वो सब अलग अलग प्राइस रेंज पे आती है और अलग अलग फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है, तो जो आपकी नीड्स के हिसाब से सूट करे आप उनको खरीद सकते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल खरीदने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक केटल ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर आपको वो इलेक्ट्रिक केटल बताने से पहले मैं आपको वो ज़रूरी पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे कि दोस्तों एक आप अच्छा डिसीजन ले पाएं और आपको थोड़ी सी अच्छी आपकी जो नॉलेज है वो बन पाए इलेक्ट्रिक केटल्स के बारे में। दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक केटल। दोस्तों दो तरीके की इलेक्ट्रिक केटल जनरली मार्केट में मिलती है, पहली होती है कोडेड और सेकेंड होती है कोडलेस। दोस्तों जो कोडेड इलेक्ट्रिक केटल होती है उसका जो वायर होता है वो डायरेक्टली आपके केटल से ही जुड़ा रहता है, जैसे भी आप अपनी केटल को यूज़ करेंगे वो उसके साथ साथ ही रहेगा। पर लेकिन जो कोडलेस इलेक्ट्रिक केटल होती है दोस्तों उसके साथ एक अलग बेस आता है, जो भी वायर होता है कनेक्शन, जो भी पावर जाती है वो उस बेस के अंदर जाती है। आपको अपना इलेक्ट्रिक केटल उसके ऊपर रखना पड़ता है, आप जब तक उसको रखोगे वो उसका पानी है जो गर्म कर देगा, आप उसको उठाओ और आपका जो इलेक्ट्रिक केटल है एक नॉर्मल जग की तरह हो जाता है, उसके अंदर कोई भी वायर का दिक्कत आपको नहीं आती। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी इलेक्ट्रिक केटल बनाने वाला हूँ वो सारी की सारी कोडलेस ही होंगी, और आज के टाइम में दोस्तों कोडलेस इलेक्ट्रिक केटल ही चल रही है, कोडेड वाली जो इलेक्ट्रिक केटल है वो लगभग आउटडेटेड हो चुकी है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल खरीदने के बाद जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती, तो वो होती हैं मतलब डूज और डोंट्स। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें आपके इलेक्ट्रिक केटल के साथ करनी चाहिए ताकि आप उसका अच्छी परफॉर्मेंस ले सकें। पहली चीज़ होती है दोस्तों आप अपनी इलेक्ट्रिक केटल को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें ताकि उसके अंदर कोई भी रेजिड्यू ना रहे, वो जल्दी ख़राब होने से बचे। और दोस्तों जितना आपको रिक्वायरमेंट हो पानी की आप उतना ही बॉईल करें, क्योंकि आप अगर उसमें ज़्यादा पानी बॉईल करेंगे तो एक तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। और जो आपको नहीं करनी होती वो है दोस्तों कभी भी अपने इलेक्ट्रिक केटल को खाली ना चलाएं, वो दोस्तों ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों आप कभी अपनी इलेक्ट्रिक केटल के अंदर पानी को स्टोर करके ना रखें, जब आपको ज़रूरत हो पानी भरें, गर्म करें और यूज़ कर लें और खाली कर दें उसको, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसके अंदर पानी को भर के रखेंगे तो उसके अंदर लाइम स्केल की जो लेयर होती है वो बन जाती है, जो नमक की एक सॉल्टी लेयर होती है वो बन जाती है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक केटल की परफॉर्मेंस को ख़राब करती है दिन ब दिन। बस दोस्तों कुछ यही पॉइंट से जो बताने थे, अब देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रिक केटल हैं वो 5 इलेक्ट्रिक केटल जो आप इंडियन मार्केट में खरीद सकते हैं। दोस्तों 5th नंबर पे है ग्रीन शेफ मल्टी केटल। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.8 लीटर, पावर कंज्यूम करता है 1500 वाट। और दोस्तों ये मल्टीपर्पज़ केटल है, आप इसके साथ इसके अंदर पानी तो गर्म कर ही सकते हैं, साथ साथ आप इसके अंदर दूध गर्म कर सकते हैं, अंडे बॉयल कर सकते हैं, मैगी बना सकते हैं और बहुत कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर दोस्तों आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब मिलता है, जिससे आप इसका टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल अपने गैस के अंदर करते हैं। पावर इंडिकेटर मिलता है दोस्तों, 360 डिग्री कोडलेस बेस मिलता है, जो दोस्तों इसकी बेस है इसके ऊपर आप इसको कहीं पे भी घुमा सकते हैं, आपके कंफर्टेबल काफ़ी ये हो जाएगा यूज़ करने के लिए। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक ग्लास लिड मिलती है, जो ढक्कन है दोस्तों वो ग्लास का मिलता है। हीट रेजिस्टेंट हैंडल मिलता है दोस्तों, जो आप जब भी इस केटल को यूज़ करेंगे तो वो हैंडल जो है गर्म नहीं होगा। कंसील्ड हीट एलिमेंट मिलते हैं, जिससे दोस्तों आप इसको क्लीन आसानी से कर पाएंगे। वाइड माउथ मिलता है, जो ओपनिंग है दोस्तों ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा वाइड और चौड़ी है, जिससे आप इसको क्लीन करने में यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी इसके साथ दोस्तों आपको मिलते हैं, जैसे कि स्टीम ट्रे और स्टीम रैक। इस इलेक्ट्रिक केटल की दोस्तों जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेट 900 रुपये के आसपास, और दोस्तों जो प्राइस है वो चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो लिंक्स जो है दोस्तों इन प्रोडक्ट की सबकी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इनकी एक्जैक्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों 4th नंबर पे है पिजन की तरफ से आने वाला शाइनी इलेक्ट्रिक केटल। इसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर और दोस्तों पावर कंज्यूम करता है 1500 वॉट। इसके अंदर दोस्तों आपको एक पावर इंडिकेटर मिलता है, 360 डिग्री कोडलेस बेस मिलता है और दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक शट ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर कोई चीज बॉइल करेंगे तो जैसे ही दोस्तों वो बॉइल हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाता है। वन पुश लिड ओपन मिलता है दोस्तों, जिससे कि
एक बार आप इसके जो लीड है उसके ऊपर प्रेस करें और एक बार में इसका जो ढक्कन खुल जाएगा। 1 मीटर लंबी इसकी वायर मिलती है दोस्तों विद वाइंडर, जिसको आप इसके अंदर एक आपको वाइंडर का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप इसकी वायर को काफी इजिली फोल्ड करके रख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की दोस्तों बॉडी मिलती है, हीट रेजिस्टेंट हैंडल मिलते हैं और दोस्तों कंसील्ड हीट एलिमेंट मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं जब भी आप इसको क्लीन करते हैं। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक कैटर की जो प्राइस है वो है अप्रोक्स 600 रुपए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एग्जैक्ट प्राइस आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे है प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला PKOSS, नाम थोड़ा अजीब है। कैपेसिटी है इसकी 1.5 लीटर। पावर है 1500 वॉट। इसके अंदर मिलता है एक पावर इंडिकेटर, ऑटो कट ऑफ ऑप्शन मिलता है, जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। 360 डिग्री रोटेशन वाला कोडलेस बेस मिलता है, 1 पुश लीड ओपन मिलता है। इसका वेट है दोस्तों अप्रोक्स 750 ग्राम। स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है, हीट रेजिस्टेंट हैंडल मिलते हैं और कंसील्ड हीट एलिमेंट्स मिलते हैं जो क्लीनिंग को ईजी करते हैं और दोस्तों इसके ऊपर प्रेस्टीज देता है आपको 1 साल की वारंटी। इस इलेक्ट्रिक कैटर की जो प्राइस है वो है अप्रोक्स 900 रुपए। एग्जैक्ट प्राइस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है हेवल्स की तरफ से आने वाला एक्वा प्लस। इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो मिलती है 1.2 लीटर की। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो है 1500 वॉट। दोस्तों इसके अंदर आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है जिसके अंदर ही आपको एलईडी इंडिकेटर भी मिलता है, ऑटो कट ऑफ मिलता है, जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। 360 डिग्री रोटेशन वाला कोडलेस बेस मिलता है, एक वाइडर माउथ मिलता है जो कि यूज करने में और क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। डबल वॉल स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत होती है और काफी ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगी। हीट रेजिस्टेंट हैंडल मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर, कंसील्ड हीट एलिमेंट्स मिलते हैं वो भी एक अच्छी बात है और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसके ऊपर हैवेल्स देता है 2 साल की लंबी वारंटी। इस इलेक्ट्रिक कैटर की दोस्तों जो प्राइस है वो है अराउंड 1500 रुपए के आसपास। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में जाके लिंक्स पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है फिलिप्स HD9306। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.2 लीटर और दोस्तों इसकी पावर है 1800 वॉट। दोस्तों पावर की काफी अच्छी है, जनरली आपको 1200 या 1500 वॉट के ही इलेक्ट्रिक कैटर मिलते हैं। ज्यादा पावर होने से दोस्तों ये फायदा होगा कि आप इसके अंदर कुछ भी बॉइल करेंगे तो वो काफी ज्यादा फास्ट बॉइल हो जाएगा। ऑन ऑफ स्विच मिलता है और एक एलईडी इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। ऑटो कट ऑफ मिलता है दोस्तों, जब भी कुछ आप इसके अंदर गर्म करेंगे वो गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। 360 डिग्री कोडलेस बेस मिलता है दोस्तों, 1 पुश लीड ओपन मिलता है, एडजस्टेबल कोड लेंथ है दोस्तों इसकी, आप जो वायर है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, लंबा या छोटा कर सकते हैं। वाइडर ओपनिंग मिलती है दोस्तों, क्लीन करने में काफी आसान होगा। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से दोस्तों ये बना हुआ है। हीट रेजिस्टेंट हैंडल मिलते हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको स्टीम सेंसर और ओवरहीट प्रिवेंशन भी मिलती है जिससे दोस्तों ओवरहीट होने से बचेगा और खराब होने से भी बचेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात 2 साल की लंबी वारंटी फिलिप्स आपको इसके ऊपर देता है। इस इलेक्ट्रिक कैटर की दोस्तों प्राइस है अप्रॉक्स 2300 रुपए के आसपास। प्राइस दोस्तों चेंज होती रहती है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में जाके चेक कर सकते हैं लिंक्स पे क्लिक करके। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।